हाँ भाई ठीक है, चलो मैं रखती हूँ फोन। जब देखा ना, जब आप फोन में लगी रहते ना, और के मकाम को ना है के। वो मम्मी मेरे भाई का फोन आया था, उसने बहुत जगह जॉब ढूंढी लेकिन उसको नहीं मिली। फिर मेरे तक क्यों बताओ है? आड़ा कंपनी खोल रही हूँ मैं। वो मम्मी मेरा भाई कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रहा है, उसे पास में जॉब मिल गई। बताऊं, बाण का बाई सुतरा ना लग गया करता। अरे एक तरह जेल रही हूँ, यो बहुत बड़ी बात है। उन और दर ले अड़ ल्या के खर्चे हो हमारसा गैल, समझी? मम्मी मेरा भाई बहुत परेशान है, बहुत मुश्किल से जॉब मिली है उसे, इसलिए उसे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ेगा। फिर उसकी परेशानी ना हम देखेंगे के? न्यू तो दुनिया दुखी है, ये घर न भर दे मनसात है। बतेरे गरीब पड़े हैं, सारे नाड़े लिया ठाकर ने, फोकट की रोटी कोने में लाड़े। गरीब है तो अपनी गरीबी ना काटो, हमने ठेका ना ठा रखा। मम्मी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाई आप ठीक है? तू? हाँ जी, आप कैसे हो? बढ़िया। मौसी कहाँ पे है? नमस्ते मौसी। नमस्ते। मैं कब से राह देख रही थी आपकी। थोड़ा सा लेट हो गया तो इतना बोलेंगे क्या? वैसे एक बात बता यार, मैं यहाँ पे रहूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर मैं अपना आधा खर्चा देता रहूंगा। ये क्या बोल रहे तू? भाई बहन एक दूसरे की परछाई होते हैं, जो हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ दें। पर तू तो आधी परछाई है ना हाइट के हिसाब से। चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है। सब्जी क्या बनाई है? भिंडी। तुझे तो पता भिंडी मेरी फेवरेट है, और आज भी तूने वही बनाई है। चल तू आ जा। यही मेरे घर तू। सुने कई के दिन डटा गई वाड़ा है। बात सुन, करीम के घी में रोटी चपड़ी है इसकी, कदे वो मक्खन लदाओ इसकी रोटी आप है, और जितने भी ड्राई फ्रूट और वो नमकीन काजू पिस्ते जो कुछ तेरे ना उसके भीतर में तारने की ना सोचिए। वो हमारे खास मेहमान ना खातर है, मेहमान एक दो घंटे का होया करे, इतने दिन तैयार क्यों कर पड़ा रहेगा ये सांडे। आजा बैठ जा, तू भी खा ले। नहीं भाई तू खा ले, मेरा मन नहीं है, मैं काम कर लेती हूँ। ठीक। तू आंधी हो रही थी के? इतना बिजली का बिल भी कौन दिखा? इसमें भी कबड़े में फेंकन जाओ थी। मने तू बहु बना कर रख रहे, कितने टोपा भी अकल को ना कती। मेरी जगह कोई और होता ना तेरा नौकर भी ना बनावे। ये क्यों कर खड़ी है? मम्मी जी ये तो नीचे गिरा हुआ था, मैं साफ करके रख रही थी। रहन दे, बात बात पर झूठ बोल रहा है। अरे बहन तू पागल है क्या? खर्चे में काम आएंगे, अभी मेरा बढ़िया काम चल रहा है। भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? पहले आप अपने हालात सुधार लो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे वो सब मुझे पता है, ये लो मौसी जी रख लो आप। एक बात बता, तू भाषण तो तू ये भी इतना बड़ा झाड़ रहा था, अरे ये 2000 फुलड़ी दिखाओ है के आ जाएगा इनमें। घर में कोई भी एक फालतू आदमी आ जाए ना, इतने खर्चे लाग जा है, हिसाब लगा के देखो मेरा लग जाएगा, और क्या होगा इनमें। अरे मौसी जी आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मेरी बहन को डांटा मत करो। मेरे से जितना खर्चा होगा ना मैं उतना देता रहूंगा घर में। एक बात बताऊं, मैं और सासुआ की तरिया होती ना तो इतना गली में घेर कर डेली इतना पीटू है, फिर भी मैं इतना छोड़े दे हूँ। अरे प्लीज बहन तू चुप हो जा, रो मत, घर वाले तो बोल ही देते हैं।
भाई मैं अपनी वजह से नहीं आपके लिए रो रही हूँ, आप प्लीज मेरी सास की बातों का बुरा मत मानना, उनकी आदत है। अरे नीनी पागल, ये तेरा घर है, तेरे घर वाले और तेरी इज्जत करना मेरा फर्ज है। चलो आप चले जाओ, आपको लेट हो रहा है। ठीक है, रोना मत, मैं जल्दी शाम को आ जाऊंगा। ए सापण, वो तेरा भाई 2000 रुपये दे था, तू नाटे क्यों थी है? न्यू कितने दिन तक आम ठाली ना खुआओगे? देना तो वो और भी चाव है, अपर तू रोक का है, इतनी शानी मन्या बनाए अक दो दो नाड़ा फोकट की रोटी मिल लेंगी। देखो तू साफ सुन गया, मारूंगी रैपटा। तेरा काम रोना है, रोले अनपुत्ती किते की है। आए ए बुंडे थोबड़े की वॉल्यूम का थी, इसमें कित गई? वो तो मेरे भाई ने पी ली। अले वो कट्टा रोग, सब कुछ उसका भीतर में उतार दे। मम्मी मैं आपके लिए और मंगा देती हूँ। गणे रपियाली हो रही है तू है? आड़ा तेरे बाबू ने बैंक खोल रखा है, और मंगवा दू हूँ, कद जागा हो तू मेरा साफ साफ यह बात बता दे। मम्मी वो भी थोड़े टाइम में चला जाएगा। यो थोड़ा टाइम को दाओगा, न्यू तो बता दे मेरी बुआ मने। बेलिया जाना शर्म भी ना आती, बता बाण का कोई इतने इतने दिन पड़ा करे के भाई आ गए, खून पी लिया इन्ने मेरा कति। न्यू कर जा, आड़े तस रख ले मेरे आगे, तै ना समार दूंगी तेरे, मैं कड़ कूट दे ऊना अड़ता है। शर्म नहीं आती बेरा ना, कितने बेले आज मेरे कर्म में दरे गए, धोनू के दोनों खून पी लिया इन्ने मेरा। क्या हो गया? कुछ नहीं भाई। फिर रो क्यों रही थी? बस वैसे। मुझे पता है, आज भी मौसी ने कुछ बोला है ना, तभी रो रही है ना। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं बच्चा नहीं हूँ, तो नहीं समझता। तू टेंशन मत ले, मैं एक दो दिन में चला जाऊंगा। नहीं भाई तू कहीं नहीं जाएगा। यार मैं नहीं चाहता मेरी जैसे तुम्हारे घर में लड़ाई हो। ऐसा कुछ नहीं है, और तुझे मेरी कसम अगर तू गया तो क्या करूं? आए कि चलिए थाली सजा दे जाके। मम्मी आज रक्षाबंधन है, मैं भाई को राखी बांधने जा रही हूँ। राखी बांधन चली, गणित्री की जोड़ी भरेगा वो है? मम्मी बहन भाई को राखी पैसे या गिफ्ट के लिए नहीं बांधती, बल्कि उसके आशीर्वाद के लिए बांधती है। फालतू बात मत मारे, उनाड़े तक काटन की सोच समझ गई? आड़ा जमाए पड़ी 2 महीने हो गए। मम्मी बहुत हो गई और बहुत सुन लिया मैंने आपकी, अब जब देखो हर रिश्ते को पैसे से जोड़ते रहते हो। पैसा बने के है, फालतू की बात मारी तू आड़े। आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आपको क्या लगता है पैसे ही सब होता है क्या? ये पैसों से सब रिश्ते जुड़ते हैं। जब से मेरा भाई आया तब से उसको सुनाए जा रहे हो कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे। आपने उसको एक बार भी प्यार से पूछा है कुछ? तू तो दी आज घड़ी बोल रही है, पहली बार देखी तो मैंने इतनी बोलती हुई। मम्मी तो आपने भी अपनी सारी हदें पार कर दी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, आप उसमें भी पैसे ले आए। कोई रिश्ता पैसों से नहीं जुड़ता, आपका भाई हो तब आपको ये बात समझ आए कि रक्षाबंधन का त्योहार होता क्या है। शुक्र है भगवान ने आपको भाई नहीं दिया, वरना आप तो उससे भी जब देखो पैसे मांगते रहते। शर्म की है मेरे भाई ने आपकी, तभी वो मुझे लेके नहीं गया यहाँ से। आपको क्या पता, भाई तो अपनी बहनों के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, और आप जब देखो पैसा। और हाँ, आप जिस घर में रह रहे हो ना, वो घर आज मेरे भाई की वजह से है। क्या मतलब है? इन पे कर्जा था, तब मेरे भाई ने उन्हें पैसे देकर इस घर को बचाया, वरना हम भी कहीं रोड पे धक्के खा रहे होते। और अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो आप उनसे फोन पे पूछ सकते हो, और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना तो रिश्तों की अहमियत समझो।
है।